हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनके आंसर शायद ही आपको पता होंगे। तो चलो फिर दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, किस जीव के पास 8 हाथ होते हैं? तो दोस्तों, जीके से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर है स्क्विड। तो स्क्विड ये एक ऐसा जीव है दोस्तों जो कि अपने अलग ही एमएमएस के बारे में प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी इसके हाथ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके बाकी के भी अवयव बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके बारे में आप और भी रिसर्च कर सकते हो जिससे आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। किस साइंटिस्ट की खोज ही उनकी मृत्यु का कारण बन गई? तो दोस्तों, जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। तो दोस्तों, मैडम मैरी क्यूरी ये एक साइंटिस्ट थे और इनकी मौत जो हुई थी वो रेडिएशन की हुई वजह से हुई थी। इनके डेथ के बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज है, आप इनके ऊपर भी और रिसर्च कर सकते हो क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। कौन सा पक्षी है जिसके पंख है पर उड़ता नहीं है? तो दोस्तों, जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है और इसका आंसर है कीवी। तो कीवी एक ऐसा बर्ड है जिसके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता। माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस किस तरह दिखता है? तो दोस्तों, रिसेंटली ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और इसका आंसर है क्राउन। तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कोरोना क्राउन जैसा दिखता है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा सीसीटीवी का यूजेस क्या है और उसके फुल फॉर्म जैसे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम के लिए जाते हो, इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करके जाओ। सीसीटीवी का फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। कौन सी चीज़ है जो पानी में भी चलती है? तो दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर है सोडियम, जो पानी में भी बहुत ही अच्छी तरह से जलता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडे और दूध दोनों देता है? तो दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सवाल है, आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इसका आंसर है प्लेटिपस। तो दोस्तों, प्लेटिपस एक बहुत ही वियर्ड जानवर है, इसके बारे में बहुत सारे वियर्ड फैक्ट्स है, तो आप इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हो जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाना सवाल है, करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसका आंसर है यूएई। तो दोस्तों, यूएई एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश है, मोनाको वगैरह, जिन पे टैक्स नहीं लगता है और ये पूरी लिस्ट आप इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हो। भारत का तिरंगा झंडा किस व्यक्ति ने बनाया था? तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स के जीके सेक्शन में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसका आंसर है पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ये आंध्र प्रदेश से थे और ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इंडिया का फ्लैग बनाया था। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार बच्चों को जन्म दे सकती है? तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपका थोड़ा सा आईक्यू भी टेस्ट होगा, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि किसने किसने इसका आंसर सही दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे 10 जीके के क्वेश्चन जिनके आंसर शायद ही आपको पता होंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, आईक्यू के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस और बहुत सारा जनरल नॉलेज शेयर किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट जरूर करो क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है और आपको आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोज को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी और वो भी एक ही चैनल से। तो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।